स्टूडेंट नाउ वी स्टडी अबाउट द क्लास 12 चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इस वीडियो में बेटा हम जो कक्षा 12 है उसका अध्याय 5 के वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत नामक अध्याय से गुणात्मक विकल्पी और रुधिर वर्गों की वंशागति का जो हमारा टॉपिक है प्रकरण है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने बहुत कुछ इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में पढ़ लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को सर्च किया था। ब्लड ग्रुप को हम आई जीन के थ्रू, कैपिटल आई जो होता है कि आई जीन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे एलील्स कौन कौन से होते हैं, ए बी एंड ओ, और ए और बी कैसे होते हैं हमारे, दे आर द डोमिनेंट जीन्स एंड वाई ओ इज रिसेसिव जीन। उसी वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था अबाउट द ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, व्हाट इज दैट, गुणात्मक विकल्पी क्या होता है। व्हेन मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस फॉर वन जीनेटिक ट्रेट देन इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस एंड इट इज एक्सप्लेन बाय द ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप। जब दो या दो से ज़्यादा अलील किसी एक अनुवांशिक लक्षण को ही प्रकट करते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसी एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं, तब उस कैरेक्टर को या इस जो विशेषता है उसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मनुष्यों में रुधिर वर्गों की वंशागति है। रुधिर वर्ग कौन सा हमारे, ए बी ओ। उसके ऊपर बेसिस पे ही मैं आपको आज दो क्वेश्चंस भी दूंगी जिन्हें आपको करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी। इस पे भी हमारे शॉर्ट नोट आ जाता है कि प्लियोट्रॉपी क्या है। समटाइम्स ए सिंगल जीन में इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन विजिबल कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक एंड देन दीज जीन्स विच एक्सप्रेस द मोर देन वन कैरेक्टर आर नोन एज द प्लियोट्रॉपिक जीन्स। कभी कभी जो जीन है वो एक से अधिक ही दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और उस जीनों की ये जो लक्षण है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। और वह जीन जो हमारा एक से ज़्यादा कैरेक्टर को शो कर रहा है उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आपका, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको कि इन पी प्लांट द सेम जीन डेट अफेक्ट द फ्लावर कलर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सीड कोट कलर एंड द कलर ऑफ लीफ। यहाँ पर जो मटर के मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा कि जो एक जीन था जो फूलों के रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो ही सीड कोट के कलर को और जो लीफ का एक्सियल पॉइंट है उसके कलर, उसके वाले जो जीन है उन दोनों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। यानी एक ही जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसी तरह ड्रोसोफिला में जो